तो ये रहे हमारे न्यू शूज जो हमने ज़ारा से लिए, ऑलमोस्ट 5000 के पड़े फ्रॉम ज़ारा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं घर का खाना नहीं खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, कभी कभार जब मन करता है तो खा लेता हूँ, बट आपको इसके पीछे साइंस जानने की बहुत जरूरी है। Hey guys, welcome to my channel, Gorvi Fitness and Lifestyle. वेलकम बैक टू माई चैनल, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। Hey guys, welcome to another vlog. If you're new to my channel, please यार बिना लाइक करे सब्सक्राइब करे मत जाना, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसकी वजह से हमें आप बहुत मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज कीप अस सपोर्टिंग। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। हाँ लिए हैं और क्योंकि बहुत गर्मी है यार, फिर शाम को भीड़ हो जाती है, मुझे भीड़ में वर्कआउट करना पसंद नहीं है। यूजुअली 2:30 या 3 बजे ही जाता हूँ ताकि मेरा वर्कआउट 5 बजे तक खत्म हो जाए, बिकॉज मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। नेवर यूज टू गो इन अ क्राउडेड प्लेस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई मेक श्योर कि जहाँ कम लोग हों वहीं मैं जाऊँ, पहले वर्कआउट निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर सारे काम निपटाएंगे, वर्कआउट कर लेते हैं। Take me off to heaven, heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest, cause it ain't no lie. तो आप लोगों ने बाइसेप्स वर्कआउट देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा मैंने आज बाइसेप्स करे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाइसेप्स करते हैं, डंबल्स मार लेंगे, बाइसेप्स कर्ल मार लेंगे, बट आपको इसके पीछे साइंस जानने की बहुत जरूरी है। बाइसेप्स में कितने हेड्स होते हैं, कई लोगों को 2 लगता है बट 3 होते हैं, ब्रैकियलस अगर आप इंक्लूड करोगे, लॉन्ग हेड एंड देन शॉर्ट हेड।
तीनों को इक्वली ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप तीनों हेड को ट्रेन करोगे तभी आपका बाइसेप्स का शेप बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ तीनों हेड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वर्कआउट में दिखाया था, आई होप आपने देख ही लिया होगा। हमारी कोल्ड कॉफी इस वाले मग में हम डाल लेते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने बनाई है, बट सच में अच्छी है। वैसे मैं कोल्ड कॉफी के साथ खाना भी बना लू, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहता। आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम खाना 6th क्लास में बनाया था, बिकॉज माय मॉम एंड डैड दोनों वर्किंग हैं। तो मैं कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर। तो ये रहे हमारे न्यू शूज जो हमने ज़ारा से लिए, ऑलमोस्ट 5000 के पड़े फ्रॉम ज़ारा। मुझे कैजुअल शूज से ज्यादा फॉर्मल शूज पसंद आते हैं। ये शूज मुझे बहुत अच्छे लगे, ये इतने ज्यादा शाइन करते हैं कि आप इस पे अपनी शक्ल भी देख सकते हो, तो मुझे बहुत अमेजिंग शूज लगे ये वाले। मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, मैं बाहर था, ऑलमोस्ट जब मैंने देखा वहाँ पे मुझे ये शूज बड़े अच्छे लगे तो मैंने ये शूज ले लिए। अच्छे शूज हैं, इस ऑल ब्लैक ट्राउजर के साथ, शर्ट के साथ या फिर ब्लेजर के साथ पार्टी वेयर में पहन सकते हो। आज पंजाब और लखनऊ का मैच है, 258 रन्स बना दिए हैं, लेट्स सी कौन जीतता है। पोस्ट वर्कआउट मील ले लेते हैं, तो आज हम खा रहे हैं नॉर्मल घर का खाना, गेरी रोटी, गोभी आलू की सब्जी और ये दाल। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं घर का खाना नहीं खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, कभी कभार जब मन करता है तो खा लेता हूँ। तो जल्दी से एक खाना खा लेते हैं पहले, बहुत भूख लग रही है। तो यही था खाना, मैंने आपको दिखाई दिया था और फिर आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो मैं यूजुअली ऑन थर्सडे और संडे, आई नो कि रेड बॉडी अच्छी लगती है, बट आपको इंटरनली भी फिट होना है, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी है। मैंने क्या नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लो कार्ब डाइट पे रहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है। व्हेन यू आर डूइंग अ डेडलिफ्ट आप 100 किलो भी इतना अच्छे से नहीं मार पाते हो। व्हेन यू आर हैविंग इनफ कार्बोहाइड्रेट, इतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, तो आप 200 किलो या 250 किलो भी आराम से मार दोगे। मैंने फॉर्म की बात नहीं करी है, मैं सिर्फ जनरली आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दुश्मन नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किस टाइमिंग पे आप खा रहे हैं। अगर आप सोने से पहले कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, वो that will be all utilized. सिर्फ आपका जो ग्लाइकोजन टैंक होता है वो फुल हो रहा है एंड देन वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, as you all know that. Important है कि आपकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलें। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज कीप अस सपोर्टिंग ताकि हम ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहें। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है अभी तक, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।